आगरा से बड़ी खबर। आगरा में फौजी बना लुटेरा। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विगत दिनों दो लूट का पुलिस ने किया खुलासा। फौजी गैंग बनाकर लूट की घटनाओं को देता था अंजाम। बैंक कर्मचारी से 5 लाख की हुई थी लूट। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लुटेरा पूर्व में आर्मी में कर चुका है नौकरी। पुलिस ने आरोपियों से 1,25,000 नकद राशि की बरामद। सर, कुछ लुटेरों को गिरफ्तार किया है और किस तरीके की घटना को ये अंजाम देते थे और किस तरीके का क्राइम करते थे? सर, जनपद आगरा में 2 थाना क्षेत्र में लूट हुआ था। एक अभी हल में पिछले सोमवार का यतमतपुर थाना क्षेत्र में राज पेट्रोल पंप का लूट हुआ था। वो उनका कर्मचारी पैसे लेकर बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था सुबह सुबह 10 बजे का। उस समय मोटरसाइकिल में तीन लोग आया, वहाँ पे गाड़ी रुका था, रास्ता में उनका वॉट टेक किया, उसका स्कूटी छीन के भाग गया था। उसके बाद उन्होंने छीन के भागने के बाद आगे जाके मोटरसाइकिल भी छोड़ दिया था। बाद में पुलिस ने उस मोटरसाइकिल का भी वेरीफाई कराया, उसको पुलिस ने इनका रिकवरी भी कराया उस मोटरसाइकिल का। और मोटरसाइकिल में वेरीफाई हुआ, एक मोटरसाइकिल चोरी की मोटरसाइकिल था, वो निकल के आई थी। वो चोरी पिछले जून में सिकंदरा में चोरी हुआ था। उसके आधार पर पुलिस अपने छानबीन करके पूरा टेक्निकल एविडेंस के आधार पर गैंग तक पहुंचा। हम लोगों ने गैंग तक पहुंचने के बाद हम लोग कुछ क्लियर हुआ और इन लोग का मूवमेंट का मुखबिरी का सूचना मिला। इन लोग इस तरह का दक्षिणी बाईपास के पास आज आना वाला है, इस तरह का सूचना मिला। उसके आधार पर पुलिस ने चेकिंग किया। चेकिंग में 2 लुटेरा पकड़ा है। उस पर एक हेमंत उर्फ राजू, ये फौजी है, दूसरा हमित कुमार है। ये दोनों लोग, एक हेमंत मथुरा कराना वाला है और हमित अतरस जनपद कराना वाला। इनके साथ कई लोग क्राइम करता था। ये इस पर हेमंत उर्फ राजू है, ये सिकंदरा थाना में किराए पर रहता था। वहाँ पर इन्हें कमरा पर किराए पर लेके वहाँ का सभी क्रिमिनल से ले जाके योजना बना के क्राइम करता था। वो वहाँ चोरी करना है, लूट करना है, इस तरह का। इनके साथ 6-7 लोग है, बाकी लोग अभी पकड़ना चेस है उन पर। कई लोग, एक हमारा यतमतपुर वाला घटना में जो उस पर 3 लोग का मोटरसाइकिल, उस पर अभी उस घटना में 2 लोग फरार है और एक रिकी करना वाला और एक हेमंत मौके पर था, उसका पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनसे गाड़ी मोटरसाइकिल रिकवरी हुआ है और 1,25,000 रुपये पैसा रिकवरी किया पुलिस ने। और अचनर वाला घटना में भी इन दोनों लोग था। अचनर वाला घटना भी हेमंत ने उसकी रिकी करने के लिए गया था, फिर भी घटना के लिए नहीं गया उस दिन। बाकी 2 लोग, उस पर हमिद मेन था और बाकी उसके साथ और 2 लोग क्रिमिनल्स उस दिन जो सेल्समैन है अचनरा में, जो शराब का दुकान का टैका का पैसा वसूली करके जा रहा था, दिनदार 11 बजे के आसपास लूटा। लूटने के बाद इन लोग सीधे आगे मोटरसाइकिल से भरतपुर तक चला और उसके बाद वापस लौटा। और उसको उनसे पूछताछ में पता चला इन लोग पुलिस को घुमाने के लिए भरतपुर तक गए, उसके बाद वापस लौट के आया था। उस पर हमारे पास CCTV फुटेज वगैरह हमने देखा, उसके आधार पर इन लोग को सब हमने ट्रैक किया और इनसे दोनों घटना का खुलासा पुलिस ने आज कराया। इस पर दोनों घटना में मिलकर अभी भी 5 मुलजिम फरार है, उसका सब पुलिस गिरफ्तारी करेंगे। सर, इसमें पूर्व सैनिक का नाम आ रहा है, पूरा क्या मामला है सैनिक को लेकर? सर, ये पूर्व सैनिक 2012 में फौज में ज्वाइन किया था और उसके बाद लगातार नौकरी में था। बीच में 1 साल पहले उनका अपना पारिवारिक मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, उसके लेके उनका वहाँ पे जांच चल रहा था, उसके वजह से वो 2 साल से फौज में नहीं है। अभी यहाँ गांव में रहता है और गांव में रहते हुए इस तरह के इन लोगों का क्रिमिनल्स के साथ जोड़ के क्राइम करता था। सर, ये गैंग को लीड कौन करता था, क्या नाम था पूरी गैंग का, किस तरीके के क्राइम करते हैं? इस पर जो क्रिमिनल्स इनके पास अच्छा अच्छा क्रिमिनल्स इन लोग है, जो सभी लोगों ने कई क्राइम बड़ा बड़ा क्रिमिनल्स के साथ भी जुड़ा रहा है इन लोग का, हमको पूछताछ में निकल के आई। अभी तो वर्तमान में हेमंत क्राइम पर लेके बाकी लोग सब आते रहता था, हेमंत और हमिद और दूसरा एक KP कोरपाल, वो भी अच्छा क्रिमिनल है, वो भी आगरा अलीगढ़ में भी कई बार जेल गया है। वो ये सब तीनों मेन ऑर्गेनाइजर है, फिर भी कई क्रिमिनल्स इनके साथ आते जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, सब चीज़ काम करते हैं। सर, ये अंतर जनपदीय अंतर्राज्यीय ग्रोह है, इन लोग सभी जनपद में अंतर जनपदीय कर सकते हैं, अंतर राज्य भी करते हैं लोग क्राइम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।